बड़ी खबर, राजस्थान के बाड़मेर के पूर्व एमएलए मेवाराम जैन को कांग्रेस ने निलंबित किया है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन पर गैंगरेप का आरोप है। 21 दिसंबर को पीड़िता ने पूर्व विधायक मेवाराम के खिलाफ गैंगरेप का केस जोधपुर में दर्ज कराया था, जिसके बाद उन पर यह एक्शन लिया गया और उन्हें निलंबित किया गया है। गैंगरेप के आरोप में कांग्रेस ने पार्टी से उन्हें निलंबित किया है। राजस्थान के बाड़मेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं मेवाराम, जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं और गैंगरेप का केस जोधपुर में उनके खिलाफ दर्ज कराया गया था। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी भवानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। भवानी, ये पूरा मामला क्या है, दर्शकों को बताइए। देखिए, 21 दिसंबर को जोधपुर के अंदर केस दर्ज कराया था पीड़िता ने। आरोप लगाया था मेवाराम जैन को, कांग्रेस के पूर्व विधायक है बाड़मेर से, उन पर आरोप लगाया था कि उनके साथ, उनकी सहेली के साथ गैंगरेप किया गया, अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया और कहा कि काफी लंबे समय से उनके साथ किया जा रहा था और पुलिस में उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की तो उसके बाद में उनके खिलाफ ही उल्टा केस दर्ज करा दिया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये मामला तब गूंजा था जब विक्टिम, हालांकि केस दर्ज उस वक्त नहीं हुआ था, तब भी ये सवाल उठा था और अब केस दर्ज हो गया। उसके बाद में मेवाराम जैन हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जिसमें उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगी है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। जी जी भवानी, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर है, गैंगरेप का आरोप और ये गंभीर आरोप लगा और इसी को लेकर कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया है।